हमने 144 सीटों की घोषणा करी है, इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं। और ये जो नाम हमने घोषित करे हैं, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करे हैं। कभी भी सब सहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफ़ी चर्चा हो गई है, थोड़ी बहुत सीटें बची हैं जिसमें घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में, मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ, इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहाँ एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न हो। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस सर जो नाराज हो रहे हैं लोग, उन असंतुष्टों को कैसे बनाएंगे उसके लिए? देखिए, सब लोग मेरे से चर्चा में हैं, सब मेरे से चर्चा में हैं। आज मेरे से बहुत सारे मिले, कम से कम 1000 लोग मुझे सुबह मिले हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय, उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं।